विदिती है कि शिक्षा किसी समाज और राष्ट्र की आधारशिला होती है जो हमारे भविष्य को संवारती है। 1947 में देश की स्वतंत्रता के पश्चात शिक्षा पहली राष्ट्रीय नीति भारत सरकार द्वारा 1968 में लागू की गई थी। दूसरी नीति 1986 में लाई गई थी। 34 वर्षों के बाद ये नई शिक्षा नीति आई है। भारत विश्व का सबसे युवा देश होने की अवधारणा के साथ शिक्षा की गुणवत्ता, नवाचार, अनुसंधान के संबंध में जनसंख्या की बदलती आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए एक नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति चिर प्रतीक्षित थी। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की प्रेरणा से केंद्रीय मंत्रिमंडल ने नई शिक्षा नीति 2020 को अनुमोदन प्रदान किया, जिससे भारतीय शिक्षा प्रणाली में आमूल चूल पर बदलाव का मार्ग प्रशस्त हुआ है। दुनिया के सबसे व्यापक चिंतन, मंथन एवं विमर्श के पश्चात इस शिक्षा नीति का स्वरूप तैयार किया गया है, जो हिंदुस्तान को विश्व पटल पर ज्ञान की महाशक्ति के रूप में स्थापित करेगा। यह शिक्षा नीति भारतीय मूल्यों पर आधारित है, जो अंतर्राष्ट्रीय मानकों पर खरा उतरेगी। या इंडियन भी होगी, इंटरनेशनल भी होगी, इम्पैक्टफुल भी होगी, इंटरैक्टिव भी होगी और इंक्लूसिव भी होगी। और यह इक्विटी, क्वालिटी और एक्सेस तीनों की आधारशिला पर खड़ी होगी। इसमें नेशन फर्स्ट, कैरेक्टर मस्ट भी समाहित होगा। स्कूली शिक्षा से लेकर उच्चतर शिक्षा तक व्यापक सुधारों का एक खाका तैयार किया गया है। फोकस इस बात पर है कि शिक्षा की आधारभूत मजबूत हो, वैज्ञानिक सोच को बढ़ावा मिले और अच्छे भविष्य का निर्माण हो सके। चाहे शिक्षा को बहुभाषी बनाने का प्रश्न हो या बहुविषयक, हर पक्ष पर एक विशेषज्ञता से फैसला हुआ है। भाषा हमारी संस्कृति का अहम हिस्सा है। संविधान के अनुच्छेद 8 में सभी भारतीय 22 भारतीय भाषाओं को सम्मान देते हुए बहु विकल्प दिए गए हैं। किसी भी प्रदेश पर भाषा नहीं थोपी जाएगी। नई शिक्षा नीति आधुनिक भी है, गुणवत्तापूर्ण भी, ज्ञान विज्ञान अनुसंधान तथा नवाचार से युक्त विश्व प्रतिस्पर्धी भी है। इसमें लचीलापन भी है, स्थायित्व भी है। इसमें मल्टीपल एंट्री एग्जिट प्वाइंट की व्यवस्था नए विकल्प भी देगी और नए अवसरों को भी देगी। ABC एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट का लाभ उठाकर छात्र अपनी शिक्षा जारी रख सकेंगे। नेशनल एजुकेशन टेक्नोलॉजी फोरम का गठन शिक्षा में तकनीकी के व्यापक इस्तेमाल को बढ़ावा देने में बहुत ही उपयोगी साबित होगी। 2035 तक GR को 50% तक ले जाने के लिए हम कटिबद्ध हैं। 3.5 करोड़ से भी अधिक छात्रों को इसका लाभ मिल सकेगा। डिजिटल लर्निंग, डिस्टेंस लर्निंग, ऑनलाइन एजुकेशन का समावेश नए अवसर को लाएगा। प्रधानमंत्री जी के जय अनुसंधान के विजय को आगे बढ़ाते हुए नेशनल रिसर्च फाउंडेशन की स्थापना की जाएगी, ताकि देश में नवाचार एवं अनुसंधान के संस्कृति को नई दिशा एवं जरूरी पोषण मिल सके। उच्चतर शिक्षा के क्षेत्र में जहां एक ओर भारतीय उच्च शिक्षा आयोग का गठन किया जाएगा, वहीं दूसरी ओर संस्थानों को अकादमिक, प्रशासनिक, वित्तीय मामलों में वर्गीकृत स्वायत्तता देते हुए पारदर्शी एवं उत्तरदायी बनाने की दिशा में प्रेरित किया जाएगा। शिक्षा का अंतर्राष्ट्रीयकरण और कम लागत पर गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करके भारत को वैश्विक अध्ययन गंतव्य के रूप में स्थापित करने का इसमें प्रयास किया जाएगा। उच्च शिक्षा प्रदर्शन करने वाले भारतीय संस्थानों को अन्य देशों में अपने कैंपस स्थापित करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा, जबकि दूसरी ओर दुनिया के शीर्ष 100 से भी अधिक चयनित विश्वविद्यालयों को भारत में आमंत्रित किया जाएगा। वैश्विक संस्थानों के बीच सहयोग, अनुसंधान, तकनीकी और छात्रों का आदान प्रदान की इसमें व्यवस्था की जाएगी। यह नीति स्टडी इन इंडिया को पूरे विश्व में एक ब्रांड के रूप में स्थापित करेगी। शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार, अनुसंधान की संस्कृति के पोषण और संस्थानों के बेहतर प्रबंधन एवं प्रशासन पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 श्री कस्तूरी रंगन जी की अध्यक्षता में माननीय प्रधानमंत्री जी के विजन और लगातार मिले मार्गदर्शन का परिणाम है। मैं आपका आभार प्रकट करता हूँ। आज के इस कॉन्क्लेव का हमारा प्रयास रहेगा कि हम राष्ट्रीय शिक्षा नीति से जुड़े मुद्दों पर एक साथ मिलकर चर्चा करेंगे। सहयोगात्मक संघवाद की एक नई मिसाल नई शिक्षा नीति के क्रियान्वयन के रूप में हम देख सकेंगे। मुझे खुशी है कि NEP को पूरे देश में अद्भुत स्वीकार्यता मिली है। स्वीकार्यता से अब सहभागिता के साथ क्रियान्वयन की दिशा में आगे बढ़ने का अवसर आ गया है। हमारे पास विश्व स्तरीय कंटेंट भी होगा, पेटेंट भी होगा और टैलेंट भी होगा। शिक्षा का चहुमुखी आंकलन भी होगा और वैश्विक संकलन भी होगा। हम बहुभाषावादी भी बनेंगे और आशावादी भी रहेंगे। हम रिफॉर्म भी करेंगे, ट्रांसफॉर्म भी करेंगे और परफॉर्म भी करेंगे। या नीति हमें विकल्प भी देगी और अच्छे अवसरों को भी देगी। हम एक अच्छे भारतीय नागरिक का निर्माण भी करेंगे और वैश्विक नागरिक के रूप में विश्व मानव को भी तैयार करेंगे।
आप सभी के सुझाव, चिंतन, सहयोग, समन्वय एवं सहभागिता से हम इस नीति को बिना देरी के क्रियान्वयन की दिशा में आगे बढ़ाएंगे। भारत निश्चित ज्ञान की महाशक्ति के रूप में उभरेगा। मेरे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी के नए स्वर्णिम भारत के निर्माण का विजन हम सब मिलकर कर पूरा करेंगे। वो भारत स्वच्छ भारत होगा, स्वस्थ भारत होगा, सशक्त भारत होगा, श्रेष्ठ भारत होगा, आत्मनिर्भर भारत होगा और एक भारत होगा। इसके लिए मेक इन इंडिया, डिजिटल इंडिया, स्किल इंडिया, स्टार्टअप और स्टैंड अप और स्टडी इन इंडिया के रूप में इसकी आधारशिला तैयार हो चुकी है। प्रधानमंत्री जी के सबका साथ, सबका विकास, सबके विश्वास की इस पवित्र भावना के साथ एक बार मैं पुनः आप सबका आभार प्रकट करता हूं और बहुत विनम्रता से अपने यशस्वी प्रधानमंत्री जी को निवेदन करता हूं कि वह हमारा मार्गदर्शन करें। प्रधानमंत्री जी, नमस्कार। आदरणीय राष्ट्रपति जी, मंत्रिमंडल के मेरे सहयोगी रमेश पोखरियाल जी, संजय धोत्रे जी, इस सम्मेलन में भाग ले रहे सभी माननीय राज्यपाल उपराज्यपाल से, राज्यों के शिक्षा मंत्री, राष्ट्रीय शिक्षा नीति को आकार देने में मुख्य भूमिका निभाने वाले डॉक्टर कस्तूरीरंगन जी और उनकी टीम, अलग अलग विश्वविद्यालय के कुलपति, शिक्षाविद, देवियों और सज्जनों, सर्वप्रथम मैं माननीय राष्ट्रपति जी का आभार व्यक्त करता हूं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के संदर्भ में ये आयोजन बहुत ही प्रासंगिक है, बहुत महत्वपूर्ण है। शिक्षा जगत का सैकड़ों वर्षों का अनुभव एक साथ यहां एकत्रित है। मैं सभी का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। माननीय, देश की एस्पिरेशंस को पूरा करने का बहुत महत्वपूर्ण माध्यम शिक्षा नीति और शिक्षा व्यवस्था होती है। शिक्षा व्यवस्था की जिम्मेदारी से केंद्र सरकार, राज्य सरकार, स्थानीय निकाय सभी जुड़े होते हैं, लेकिन ये भी सही है कि शिक्षा नीति में सरकार, उसका दखल, उसका प्रभाव कम से कम होना चाहिए। शिक्षा नीति से जितना शिक्षक जुड़े होंगे, अभिभावक जुड़े होंगे, छात्र छात्राएं जुड़े होंगे, उतना ही उसकी प्रासंगिकता और व्यापकता दोनों ही बढ़ती है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति पर 4-5 साल उसके पूर्व यह काम शुरू हुआ था। देश के लाखों लाख लोगों ने, शहर में रहने वाले लोगों ने, गांव में रहने वाले लोगों ने, शिक्षा क्षेत्र से जुड़े अनुभवी लोगों ने इसके लिए अपना फीडबैक दिया था, अपने सुझाव दिए थे। शिक्षा नीति का जो ड्राफ्ट तैयार हुआ था उसके अलग अलग पॉइंट्स पर भी 2 लाख से अधिक लोगों ने अपने सुझाव दिए थे, यानी अभिभावक, छात्र छात्राएं, शिक्षाविद, शिक्षक, शिक्षा प्रबंधक, प्रोफेशनल्स, सभी ने इसके निर्माण में अपना योगदान दिया है। इतना गहरा, इतना व्यापक, इतना विविधताओं से भरा हुआ मंथन के बाद
अब ये जो अमृत निकला है, इसलिए ही अब हर ओर राष्ट्रीय शिक्षा नीति का स्वागत हो रहा है। गांव में कोई शिक्षक हो या फिर बड़े बड़े शिक्षाविद, सबको राष्ट्रीय शिक्षा नीति अपनी शिक्षा नीति लग रही है। सभी के मन में एक भावना है कि पहले की शिक्षा नीति में यही सुधार तो मैं होते हुए देखना चाहता था। ये एक बहुत बड़ी वजह है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति की स्वीकारता की एक्सेप्टेंस का मूल कारण यही है। शिक्षा नीति क्या हो, कैसी हो, उसका स्वरूप क्या हो, ये तय करने के बाद अब देश एक स्टेप और आगे बढ़ा है। अब पूरे देश में राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लेकर, उसके इम्प्लीमेंटेशन को लेकर व्यापक विचार विमर्श हो रहा है, संवाद हो रहा है। ये व्यापक विचार विमर्श इसलिए जरूरी है क्योंकि राष्ट्रीय शिक्षा नीति, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, सिर्फ पढ़ाई लिखाई के तौर तरीकों में ही बदलाव लाने के लिए नहीं है। ये पॉलिसी 21वीं सदी के भारत के सामाजिक और आर्थिक जीवन को नई दिशा देने वाली है। ये पॉलिसी आत्मनिर्भर भारत के संकल्प और सामर्थ्य को आकार देने वाली है। जाहिर है, इस बड़े संकल्प के लिए हमारी तैयारियां, हमारी जागरूकता भी उतनी ही बड़ी होनी चाहिए। आप में से अधिकांश महानुभाव राष्ट्रीय शिक्षा नीति की बारीकियों का अध्ययन कर चुके हैं, लेकिन इतने बड़े रिफॉर्म्स की बारीकियां, उसके लक्ष्य पर निरंतर बात करना अभी उतना ही आवश्यक है। सारे संदेहों और सवालों को सुलझाते हुए ही देश राष्ट्रीय शिक्षा नीति को सफलतापूर्वक लागू कर पाएगा। मान्यवर, आज दुनिया भविष्य में तेजी से बदलते जॉब्स, नेचर ऑफ वर्क को लेकर व्यापक रूप से चर्चा कर रही है। ये पॉलिसी देश के युवाओं को भविष्य की आवश्यकताओं के मुताबिक नॉलेज और स्किल्स दोनों मोर्चों पर तैयार करेगी। नई शिक्षा नीति स्टडी के बजाय लर्निंग पर फोकस करती है और करिकुलम से और आगे बढ़कर क्रिटिकल थिंकिंग पर जोर देती है। इस पॉलिसी में प्रोसेस से ज्यादा पैशन, प्रैक्टिकलिटी और परफॉर्मेंस पर बल दिया गया है। इसमें फाउंडेशनल लर्निंग और लैंग्वेज पर भी फोकस है। इसमें लर्निंग आउटकम्स और टीचर ट्रेनिंग पर भी फोकस है। इसमें एक्सेस और असेसमेंट को लेकर भी व्यापक रिफॉर्म्स किए गए हैं। इसमें हर स्टूडेंट को एम्पावर करने का रास्ता दिखाया गया है। एक तरह से देखें तो ये वन साइड फिट्स ऑल की अप्रोच से हमारी शिक्षा व्यवस्था को बाहर निकालने का एक मजबूत प्रयास है।
और आप सभी जो दिग्गज भी ये महसूस करते हैं कि ये प्रयास असामान्य है, सामान्य नहीं है। बीते दशकों से हमारे एजुकेशन सिस्टम में जो भी कमियां हमें दिखती थी, जो भी समस्याएं हमको लगती थी, उनको दूर करने के लिए विस्तार से इस पॉलिसी में चर्चा की गई है। अब जैसे लंबे समय से ये बातें उठती रही हैं कि हमारे बच्चे बैग और बोर्ड एग्जाम के बोझ तले परिवार और समाज के दबाव तले दिनों दिन दबे जा रहे हैं। इस पॉलिसी में इस समस्या को प्रभावी तरीके से एड्रेस किया गया है। हमारे यहां तो कहा भी जाता है कि सा विद्याया विमुक्तये, यानी नॉलेज वही है जो हमारे माइंड को लिबरेट करें। जब फाउंडेशनल स्टेज पर ही बच्चों को उनके कल्चर, भाषा, परंपरा से जोड़ा जाएगा तो शिक्षा अपने आप ही प्रभावी होगी, सहज होगी और बाल मन उससे खुद को जुड़ा हुआ पाएगा। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में हमारे सही मायने में बिना दबाव के, बिना अभाव के और बिना प्रभाव के सीखने के लोकतांत्रिक मूल्यों को हमारी शिक्षा व्यवस्था का हिस्सा बनाया गया है। जैसे स्ट्रीम्स को लेकर जो बच्चों पर दबाव रहता था वो अब हटा दिया गया है। अब हमारे युवा अपने इंटरेस्ट, अपने एप्टीट्यूड के हिसाब से पढ़ाई कर सकेंगे। वरना पहले होता यह था कि दबाव के कारण विद्यार्थी अपनी क्षमता के बाहर की कोई और ही स्ट्रीम चुन लेते थे और जब तक उनको रियलाइज होता था तब तक बहुत देर हो जाती थी। परिणाम यह होता था कि या तो विद्यार्थी थक हार कर ड्रॉप कर लेता था या फिर जैसे तैसे अपना गुजारा कर लेता था, समय बिताता था। इससे किस प्रकार की समस्याएं हमारे देश में पैदा होती रही हैं, ये कितनी समस्याओं की जड़ है, मैं समझता हूं मुझसे ज्यादा आप लोग जानते हैं, भली भांति जानते हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति में ऐसी समस्याओं का समाधान तो है ही, एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट से भी छात्रों को बहुत लाभ होगा। मान्यवर, आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए युवाओं का स्किलफुल होना बहुत ही जरूरी है। छोटी उम्र से ही वोकेशनल एक्सपोजर मिलने से हमारा यूथ भविष्य के लिए बेहतर तरीके से तैयार होगा। प्रैक्टिकल लर्निंग से हमारे युवा साथियों की एम्प्लॉयबिलिटी देश में तो बढ़ेगी ही, ग्लोबल जॉब मार्केट में भी हमारी हिस्सेदारी ज्यादा होगी। हमारे यहां कहा गया है, आनो भद्राहा कृतवो यंतु विश्वतः, यानी अच्छे विचार जिस दिशा से भी आए उनको ग्रहण करना चाहिए। भारत तो प्राचीन काल से नॉलेज का एक ग्लोबल सेंटर रहा है।
21वीं सदी में भी भारत को हम एक नॉलेज इकोनॉमी बनाने के लिए प्रयासरत है। नई शिक्षा नीति इस संकल्प को सिद्ध करने की दिशा में बड़ा कदम है। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति ने ब्रेन ड्रेन को टैकल करने के लिए और सामान्य से सामान्य परिवारों के युवाओं के लिए भी बेस्ट इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन के कैंपस भारत में स्थापित करने का रास्ता खोला है। जब देश में ही अंतर्राष्ट्रीय स्तर के टॉप कैंपस हो आएंगे तो पढ़ाई के लिए बाहर जाने की प्रवृत्ति भी कम होगी और हमारे अपने यूनिवर्सिटीज कॉलेज भी ज्यादा कॉम्पिटिटिव हो पाएंगे। इसका एक और पहलू ऑनलाइन एजुकेशन भी है, जिससे पढ़ाई लिखाई के लिए लोकल हो या इंटरनेशनल, हर प्रकार की सीमाएं समाप्त हो जाती है। माननीय, जब किसी भी सिस्टम में इतने व्यापक बदलाव होते हैं, जब एक नई व्यवस्था बनाने की तरफ हम बढ़ते हैं, तो कुछ शंकाएं आशंकाएं स्वाभाविक ही है। माता पिता को लगता होगा कि अगर इतनी आजादी बच्चों को मिलेगी, अगर स्ट्रीम खत्म हो जाएगी, तो आगे कॉलेज में उनको दाखिला कैसे मिलेगा, उनके बच्चों को कैरियर का क्या होगा। प्रोफेसर्स टीचर्स के मन में सवाल होंगे कि वो खुद को इस बदलाव के लिए तैयार कैसे कर पाएंगे, इस प्रकार का पाठ्यक्रम कैसे मैनेज हो पाएगा। आप सभी के पास भी अनेक सवाल होंगे जिन पर आप चर्चा भी कर रहे हैं। ये सवाल इम्प्लीमेंटेशन से जुड़े ज्यादा है, जैसे इसमें करिकुलम डिजाइन कैसे हो पाएगा, स्थानीय भाषाओं में सिलेबस और कंटेंट कैसे तैयार हो पाएगा, लाइब्रेरीज को लेकर डिजिटल और ऑनलाइन कंटेंट और पढ़ाई को लेकर जो बातें इसमें रखी गई है उन पर कैसे काम होगा। कहीं साधन संसाधन के अभाव में हम अपने लक्ष्यों से चूक तो नहीं जाएंगे। एडमिनिस्ट्रेशन को लेकर भी अनेक प्रकार के सवाल आप सभी के मन में स्वाभाविक रूप से होंगे। ये सभी सवाल महत्वपूर्ण भी हैं। हर सवाल के समाधान के लिए हम सब मिलकर के काम कर रहे हैं। शिक्षा मंत्रालय की तरफ से भी लगातार संवाद जारी है। राज्यों में भी हर स्टेक होल्डर की पूरी बात, हर राय को, फीडबैक को खुले मन से सुना जा रहा है। आखिर हम सभी को मिलकर ही तो तमाम शंकाओं और आशंकाओं का समाधान करना है। जिस प्रकार की फ्लेक्सिबिलिटी का विजन लेकर के ये पॉलिसी आई है, उसी प्रकार मैक्सिमम फ्लेक्सिबिलिटी हम सभी को भी इम्प्लीमेंटेशन को लेकर भी दिखानी होगी। ये शिक्षा नीति सरकार की शिक्षा नीति नहीं है, ये देश की शिक्षा नीति है। जैसे विदेश नीति किसी सरकार की नहीं, देश की विदेश नीति होती है, रक्षा नीति किसी सरकार की नहीं, देश की रक्षा नीति होती है, वैसे ही शिक्षा नीति भी कौन सरकार है, किसकी सरकार है, कौन बैठा है, कौन नहीं बैठा है, उसके आधार पर नहीं चलती है। शिक्षा नीति
देश की ही नीति होती है और इसीलिए 30 साल के बाद, बीच में कई सरकारें आई, 30 साल के बाद आ रहा है, क्योंकि ये सरकारों के बंधनों में बंधी हुई नहीं है, ये देश के एस्पिरेशन से जुड़ी हुई है। माननीय राष्ट्रीय शिक्षा नीति में तेजी से बदलते हुए समय को देखते हुए, भविष्य को ध्यान में रखते हुए व्यापक प्रावधान किए गए हैं। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी का विस्तार गांव गांव तक हो रहा है, देश के गरीब से गरीब को, हर वंचित पिछड़े आदिवासी तक आधुनिक टेक्नोलॉजी पहुंचती जा रही है, वैसे वैसे इंफॉर्मेशन और नॉलेज तक का एक्सेस भी बढ़ रहा है। आज मैं देखता हूं कि वीडियो ब्लॉग के माध्यम से, वीडियो स्ट्रीमिंग साइट पर अनेक युवा साथी ऐसे ऐसे चैनल चला रहे हैं, हर विषय की ऐसी बेहतरीन कोचिंग उपलब्ध करा रहे हैं जिसके बारे में पहले गरीब घर का बालक या बालिका सोच भी नहीं सकते थे। टेक्नोलॉजी तक होने वाली इस पहुंच से क्षेत्रीय और सामाजिक असंतुलन की एक बहुत बड़ी समस्या तेजी से कम होती जा रही है। हमारी जिम्मेदारी ये है कि हम हर यूनिवर्सिटी, हर कॉलेज में टेक्नोलॉजिकल सॉल्यूशंस को ज्यादा प्रमोट करें। मान्यवर, कोई भी सिस्टम उतना ही इफेक्टिव और इंक्लूसिव हो सकता है जितना बेहतर उसका गवर्नेंस मॉडल होता है। यही सोच एजुकेशन से जुड़ी गवर्नेंस को लेकर भी ये पॉलिसी रिफ्लेक्ट करती है। कोशिश ये की जा रही है कि हायर एजुकेशन के हर पहलू, चाहे एकेडमिक हो, टेक्निकल हो, वोकेशनल हो, हर प्रकार की शिक्षा को साइलो से बाहर निकाला जाए, एडमिनिस्ट्रेटिव लेयर्स को कम से कम रखा जाए, उनमें अधिक समन्वय हो, ये प्रयास भी पॉलिसी के माध्यम से किया गया है। हायर एजुकेशन के रेगुलेशन को भी इस पॉलिसी के जरिए और सिंप्लीफाई और स्ट्रीमलाइन किया जाएगा। ग्रेडेड ऑटोनॉमी के कंसेप्ट के पीछे भी कोशिश यही है कि हर कॉलेज, हर यूनिवर्सिटी के बीच हेल्दी कंपटीशन को एनकरेज किया जाए और जो संस्थान बेहतर परफॉर्म करते हैं उनको रिवॉर्ड किया जाए। अब हम सभी का यह सामूहिक दायित्व है कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 की इस भावना को हम लेटर एंड स्पिरिट से लागू कर सके। मेरा आप सभी से विशेष आग्रह है कि 25 सितंबर से पहले अपने राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों की यूनिवर्सिटीज में ज्यादा से ज्यादा इस प्रकार के वर्चुअल कॉन्फ्रेंस आयोजित किए जाएं। प्रयास यही है कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को लेकर समझ निरंतर हम समझते चले, हमारी समझ बेहतर हो सके, इसके लिए प्रयास हो। एक बार फिर आप सभी को अपना समय निकालने के लिए मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। मैं आदरणीय राष्ट्रपति जी का पुनः आभार व्यक्त करता हूं। आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं, धन्यवाद।
आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आपके अत्यंत भावपूर्ण प्रेरणादायी मार्गदर्शन के लिए हम सब हृदय की गहराइयों से आपका आभार प्रकट करते हैं। अब मैं बहुत ही विनम्रता पूर्वक माननीय राष्ट्रपति जी से अनुरोध करता हूं कि वे उद्घाटन उद्बोधन के लिए हमारा मार्गदर्शन करें और उन्हीं की प्रेरणा से ये आज सम्मेलन हो रहा है, वो हमें पाथे दें, हमारा मार्गदर्शन करें। माननीय राष्ट्रपति जी, धन्यवाद। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 पर आयोजित राज्यपालों के इस सम्मेलन में उपस्थित प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, केंद्रीय शिक्षा मंत्री श्री रमेश पोखरियाल निशंक जी, केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री श्री संजय धोत्रे जी, समस्त राज्यपाल व उपराज्यपाल, राज्यों के शिक्षा मंत्रीगण, इसरो के पूर्व अध्यक्ष व राष्ट्रीय शिक्षा नीति के प्रमुख शिल्पी डॉक्टर कस्तूरी रंगन जी, सभी कुलपति, निदेशक व शिक्षाविद, यह शिक्षा नीति परामर्शों की अभूतपूर्व और लंबी प्रक्रिया के बाद तैयार की गई है। मुझे बताया गया है कि इस नीति के निर्माण में लगभग 2.5 लाख ग्राम पंचायतों, 12,500 से अधिक स्थानीय निकायों तथा लगभग 675 जिलों से प्राप्त 2 लाख से अधिक सुझावों को ध्यान में रखा गया है। ऐसी राष्ट्रव्यापी तथा विस्तृत भागीदारी के कारण यह शिक्षा नीति सही मायनों में राष्ट्रीय अपेक्षाओं और समाधानों को समाहित करती है। यह शिक्षा नीति 21वीं सदी की आवश्यकताओं व आकांक्षाओं के अनुरूप देशवासियों को, विशेषकर युवाओं को, आगे ले जाने में सक्षम होगी। यह केवल एक नीतिगत दस्तावेज नहीं है, बल्कि भारत के शिक्षार्थियों एवं नागरिकों की आकांक्षाओं का प्रतिबिंब है। इस शिक्षा नीति के निर्माण व निर्धारण की विस्तृत व जटिल प्रक्रिया को सफलतापूर्वक संपन्न करने के लिए मैं केंद्रीय शिक्षा मंत्री, राज्य शिक्षा मंत्री, मंत्रालय के सभी अधिकारियों एवं अन्य संस्थानों के लोगों को साधुवाद देता हूं। इस शिक्षा नीति को वर्तमान स्वरूप प्रदान करने वाले पद्म विभूषण से सम्मानित डॉक्टर कस्तूरी रंगन एवं उनकी टीम के सभी सदस्य विशेष सराहना के पात्र हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के ऐतिहासिक दस्तावेज को वर्तमान स्वरूप प्रदान करने में उनके दूरदर्शी नेतृत्व एवं प्रेरक भूमिका के लिए मैं प्रधानमंत्री जी को बधाई देता हूँ। राष्ट्रीय शिक्षा नीति की घोषणा के बाद विभिन्न स्तरों और क्षेत्रों में इस पर चर्चा परिचर्चा होने लगी है। शिक्षाविदों, अभिभावकों, विद्यार्थियों व सामान्य लोगों ने इस नीति का स्वागत किया है। यह कहा जा रहा है कि यदि इस नीति के अनुरूप बदलाव कर लिए जाते हैं तो भारत एक शिक्षा महाशक्ति बन जाएगा। इस शिक्षा नीति के क्रियान्वयन में राज्यपालों की महत्वपूर्ण भूमिका होगी। वर्तमान में 400 से अधिक राज्य विश्वविद्यालयों तथा उनसे संबद्ध 40,000 से अधिक महाविद्यालयों में 2.5 करोड़ से अधिक विद्यार्थी शिक्षा प्राप्त करते हैं। इस दृष्टिकोण से राज्य विश्वविद्यालयों के ऊपर एक विशेष जिम्मेदारी है। अधिकांशतः राज्यपाल ही इन विश्वविद्यालयों के कुलाधिपति हैं। विश्वविद्यालयों, महाविद्यालयों, संस्थाओं तथा अन्य स्टेक होल्डर्स के साथ संवाद और समन्वय स्थापित करके शिक्षा नीति को कार्य रूप देने में राज्यपालों को अपना योगदान देना है। मुझे बताया गया है कि कुछ राज्यों ने वर्चुअल सम्मेलन आदि के माध्यम से शिक्षा नीति के क्रियान्वयन की दिशा में परामर्श प्रारंभ भी कर दिया है। ऐसे सभी प्रयास सराहनीय है।
सामाजिक न्याय और व्यक्तिगत उन्नति का सबसे प्रभावी माध्यम शिक्षा होती है। समाज के भविष्य को बेहतर बनाने के लिए शिक्षा में निवेश करने से बेहतर अन्य कोई निवेश नहीं हो सकता। 1968 की शिक्षा नीति से लेकर इस शिक्षा नीति तक एक स्वर से निरंतर यह स्पष्ट किया गया है कि केंद्र व राज्य सरकारों को मिलकर सार्वजनिक शिक्षा के क्षेत्र में जीडीपी के 6% निवेश का लक्ष्य रखना चाहिए। 2020 की इस शिक्षा नीति में इस लक्ष्य तक शीघ्रता से पहुंचने की अनुशंसा की गई है। शिक्षण तथा पठन पाठन ऐसा होना चाहिए जो विद्यार्थियों में अन्वेषण, समाधान, तार्किकता व रचनात्मकता विकसित करे और नई जानकारी को आवश्यकता अनुसार उपयोग में ला सकने की दक्षता व नई सोच पैदा करे। उन्हें ऐसी शिक्षा दी जाए जो चरित्र निर्माण, नैतिकता, करुणा और संवेदनशीलता का भाव विकसित करे और उन्हें रोजगार योग्य भी बनाए। इस नीति के द्वारा उच्चतर शिक्षा प्रणाली में आमूल बदलाव करते हुए युवाओं को उनकी आकांक्षा व आवश्यकता के अनुरूप शिक्षा प्रदान करने की व्यवस्था की गई है। इस शिक्षा नीति में यह स्पष्ट किया गया है कि सार्वजनिक शिक्षा प्रणाली ही जीवंत लोकतांत्रिक समाज का आधार होती है, अतः सार्वजनिक शिक्षण संस्थानों को मजबूत बनाना अत्यंत आवश्यक है। नई शिक्षा नीति में इस बात पर बल दिया गया है कि हम सबको भारतीय जीवन मूल्यों पर आधारित आधुनिक शिक्षा प्रणाली विकसित करनी है। साथ ही यह भी प्रयास करना है कि सभी को उच्च गुणवत्ता से युक्त शिक्षा प्राप्त हो तथा एक जीवंत व समता मूलक नॉलेज सोसाइटी का निर्माण हो। विद्यार्थियों में मूल अधिकारों, कर्तव्यों और संवैधानिक मूल्यों के प्रति आदर भाव, देश प्रेम तथा बदलते विश्व में अपने दायित्वों के प्रति जागरूकता उत्पन्न करना भी इस शिक्षा प्रणाली का उद्देश्य है। उच्चतर शिक्षा के सभी क्षेत्रों में विशेषकर प्रोफेशनल्स को तैयार करने वाली शिक्षा प्रणाली में सार्वजनिक उद्देश्य और नैतिकता के महत्व पर बहुत बल दिया गया है। शिक्षा के माध्यम से हमें ऐसे विद्यार्थियों को गढ़ना है जो राष्ट्र गौरव के साथ साथ विश्व कल्याण की भावना से ओतप्रोत हों और सही अर्थों में ग्लोबल सिटीजन बन सके। इस नीति के द्वारा डिजिटल व ग्लोबलाइज्ड दुनिया में भारत की शिक्षा व्यवस्था का स्वरूप स्पष्ट किया गया है। सामाजिक तथा आर्थिक रूप से वंचित समूहों के लोगों को शिक्षा से जोड़ने पर विशेष बल दिया गया है। वर्ष 2025 तक प्राथमिक विद्यालय स्तर पर सभी बच्चों को मूलभूत साक्षरता और संख्या ज्ञान प्राप्त कराना इस शिक्षा प्रणाली की सर्वोच्च प्राथमिकता तय की गई है। इसके आधार पर ही आगे की शिक्षा का ढांचा खड़ा हो सकेगा। शिक्षा व्यवस्था में किए जा रहे बुनियादी बदलावों में शिक्षकों की केंद्रीय भूमिका रहेगी। इस शिक्षा नीति में यह स्पष्ट किया गया है कि शिक्षण के पेशे में सबसे होनहार लोगों का चयन होना चाहिए तथा उनकी आजीविका, मान मर्यादा और स्वायत्तता को सुनिश्चित किया जाना चाहिए। स्कूली शिक्षा को मजबूत आधार देने के लिए अगले वर्ष यानी 2021 तक इस शिक्षा नीति पर आधारित टीचर्स एजुकेशन का एक नवीन और व्यापक पाठ्यक्रम तैयार करने का लक्ष्य है। टीचर्स एजुकेशन उच्च शिक्षा का अंग है, अतः राज्य स्तर पर आप सबको टीचर्स एजुकेशन से जुड़े अत्यंत महत्वपूर्ण लक्ष्यों को प्राप्त करना है। इस संदर्भ में शैक्षिक रूप से सुदृढ़ मल्टीडिसिप्लिनरी और इंटीग्रेटेड टीचर्स एजुकेशन कार्यक्रम शुरू करने का प्रावधान है। वर्ष 2030 तक इस क्षेत्र में केवल उच्च स्तरीय संस्थान ही सक्रिय रह जाएंगे। विश्व परिदृश्य को देखते हुए व्यवसायिक शिक्षा यानी वोकेशनल एजुकेशन के विषय में एक नए महत्वाकांक्षी दृष्टिकोण को अपनाया गया है। 12वीं पंचवर्षीय योजना के आकलन के अनुसार भारत में वर्कफोर्स के 5% से भी कम लोगों ने औपचारिक व्यवसायिक शिक्षा प्राप्त की थी। यह संख्या संयुक्त राज्य अमेरिका में 52%,
जर्मनी में 75% और दक्षिण कोरिया में 96% थी। भारत में व्यावसायिक शिक्षा के प्रसार में तेजी लाने की आवश्यकता को देखते हुए यह तय किया गया है कि स्कूल तथा हायर एजुकेशन सिस्टम में वर्ष 2025 तक कम से कम 50% विद्यार्थियों को व्यावसायिक शिक्षा प्रदान की जाए। इससे हमारे डेमोग्राफिक डिविडेंड का सही लाभ मिल सकेगा। भारतीय परंपरा में विकसित लोक विद्या को उच्च शिक्षण संस्थानों द्वारा व्यावसायिक शिक्षा से जोड़ा जाएगा। इस नीति में यह स्पष्ट किया गया है कि व्यावसायिक शिक्षा को मुख्य धारा की शिक्षा का ही अंग समझा जाएगा और ऐसी शिक्षा को बराबर का सम्मान दिया जाएगा। इससे बच्चों और युवाओं में कौशल वृद्धि के साथ साथ श्रम की गरिमा के प्रति सम्मान का भाव भी पैदा होगा। नई शिक्षा नीति में ऐसी उच्चतर शिक्षा की अवधारणा की गई है जो परंपरा से पोषण प्राप्त करती हो और अपने दृष्टिकोण में आधुनिक व भविष्योन्मुख भी हो। शिक्षण पद्धति और बाल मनोविज्ञान की दृष्टि से सभी स्वीकार करते हैं कि आरंभिक शिक्षा का माध्यम मातृभाषा होनी चाहिए। इस सोच के अनुरूप नई शिक्षा नीति में त्रिभाषा सूत्र की संस्तुति की गई है। इस शिक्षा नीति में भारतीय भाषाओं, कला और संस्कृति को प्राथमिकता दी गई है। इससे विद्यार्थियों में सृजनात्मक क्षमता विकसित होगी तथा भारतीय भाषाओं की ताकत और बढ़ेगी। विविध भाषाओं वाले हमारे देश की एकता को अक्षुण्ण बनाए रखने में इससे मदद मिलेगी। राष्ट्रीय शिक्षा नीति में भारतीय भाषाओं, कलाओं और संस्कृति के संवर्धन को विशेष महत्व दिया गया है, क्योंकि वे भारत की पहचान के साथ साथ हमारी अर्थव्यवस्था के लिए भी महत्वपूर्ण है। भारत की सांस्कृतिक समृद्धि और विविधता से विद्यार्थियों का परिचय कराने के लिए देश में 100 पर्यटन स्थलों को चिन्हित किया जाएगा। शिक्षण संस्थानों द्वारा उन स्थानों पर शैक्षिक भ्रमण पर ले जाया जाएगा ताकि वे हमारे देश की बहुआयामी सभ्यता, संस्कृति, ज्ञान विज्ञान और साहित्य को समझ सके। आप सब अपने अपने राज्यों में ऐसे स्थलों के विषय में अच्छी पाठ्य सामग्री विकसित करवा सकते हैं। ऐसे स्थलों में पर्यटन सुविधाओं के विकास के लिए भी आप आवश्यक दिशा निर्देश दे सकते हैं। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी वैज्ञानिक व तकनीकी शिक्षा तथा विशेषज्ञों को जन सामान्य एवं भारतीय भाषाओं से जोड़ने के पक्षधर थे। शिक्षा योजना से जुड़े उनके अनेक महत्वपूर्ण विचार इस राष्ट्रीय शिक्षा नीति में परिलक्षित होते हैं। बापू ने कहा था, मेरी योजना में ज्यादा और बेहतर पुस्तकालय होंगे, ज्यादा और अच्छी प्रयोगशालाएं होंगी, अधिक और श्रेष्ठतर अनुसंधान संस्थाएं होंगी, उसके अंतर्गत रसायन शास्त्रियों, इंजीनियरों और अन्य विशेषज्ञों की एक पूरी सेना तैयार की जाएगी। ये लोग देश के सच्चे सेवक होंगे और उस राष्ट्र की विविध और बढ़ती हुई जरूरतें पूरी करेंगे जिसे अपने अधिकारों तथा आवश्यकताओं का उत्तरोत्तर अधिकाधिक भान होता जा रहा है। और ये सभी विशेषज्ञ विदेशी नहीं बल्कि आम जनता की भाषा बोलेंगे। जो ज्ञान से प्राप्त करेंगे वो आम लोगों की पहुंच के अंदर होगा, वो उसके साझेदार होंगे। आंख मूंद कर नकल करने के बजाय सच्चे मौलिक काम किए जाने लगेंगे, ये बापू ने कहा था। मित्रों, तक्षशिला, नालंदा, वल्लभी और विक्रमशिला जैसे प्राचीन विश्वविद्यालयों से प्रेरणा लेते हुए बड़े और मल्टी डिसिप्लिनरी विश्वविद्यालयों तथा हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस अथवा क्लस्टर्स को स्थापित करने की अनुशंसा की गई है। मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन एंड रिसर्च यूनिवर्सिटीज अर्थात मेरू की स्थापना की जाएगी, जिनका लक्ष्य विश्व स्तरीय गुणवत्ता प्राप्त करने का होगा। इससे देश के हर हिस्से में बहुमुखी प्रतिभा वाले योग्य और रचनाशील युवाओं का विकास हो सकेगा। ऐसे प्रयासों से भारत में अंतर्राष्ट्रीय छात्रों की संख्या बढ़ेगी, भारत को एक ग्लोबल स्टडी डेस्टिनेशन के रूप में विकसित किया जाएगा जहाँ कम खर्च पर उत्कृष्ट शिक्षा उपलब्ध होगी।
अच्छा प्रदर्शन करने वाले भारतीय विश्वविद्यालयों को अन्य देशों में परिसर स्थापित करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। साथ ही दुनिया के शीर्ष विश्वविद्यालयों को भारत में आकर शिक्षा प्रदान करने की अनुमति दी जाएगी। वंचित क्षेत्रों में उच्च शिक्षा के लिए वर्ष 2030 तक प्रत्येक जिले में या उसके समीप कम से कम एक बड़ा मल्टीडिसिप्लिनरी हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन उपलब्ध कराने का लक्ष्य है। इसके लिए राज्य स्तर पर अनेक कदम उठाए जाने होंगे। एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स तथा स्पेशल एजुकेशनल जोन्स में गुणवत्तापूर्ण उच्च शिक्षण संस्थानों की स्थापना की जानी है। यह सामाजिक तथा आर्थिक रूप से वंचित समूहों के हित में एक महत्वपूर्ण कदम होगा। ऑनलाइन और डिजिटल शिक्षा के लिए टेक्नोलॉजी का उपयोग करके शिक्षा को सर्वसुलभ बनाने का प्रयास किया जाएगा। नई शिक्षा नीति में पहुंच, अवसर और गुणवत्ता के अलावा शिक्षा के क्षेत्र में जवाबदेही भी तय की गई है। साथ ही यह नीति शिक्षण संस्थानों और शिक्षकों को अधिक स्वायत्तता देने की संस्तुति करती है। यह देखा गया है कि रिसर्च और इनोवेशन में निवेश का स्तर अमेरिका में जीडीपी का 2.8%, दक्षिण कोरिया में 4.2% और इसराइल में 4.3% है, जबकि भारत में यह केवल 0.7% है। भारत जैसी बड़ी और जीवंत अर्थव्यवस्था को गति प्रदान करने के लिए नॉलेज क्रिएशन तथा रिसर्च को प्रोत्साहित करना जरूरी है। केंद्र व राज्य सरकारों को रिसर्च तथा इनोवेशन में निवेश का प्रतिशत बढ़ाना होगा। सभी क्षेत्रों में गुणवत्ता युक्त शैक्षिक अनुसंधान को प्रेरित करने के लिए राष्ट्रीय अनुसंधान फाउंडेशन की स्थापना की जाएगी। शोध की संस्कृति को मजबूत बनाने के लिए सभी विश्वविद्यालयों व उच्च शिक्षण संस्थानों को राष्ट्रीय अनुसंधान फाउंडेशन के साथ मिलकर काम करना होगा। टेक्नोलॉजी के उपयोग और इंटीग्रेशन से शिक्षण प्रक्रिया में सुधार को गति मिलेगी तथा बेहतर परिणाम निकलेंगे। इसके लिए नेशनल एजुकेशनल टेक्नोलॉजी फोरम NETF की स्थापना की जाएगी। NETF द्वारा राज्य सरकार की एजेंसियों को भी परामर्श उपलब्ध कराया जाएगा। शिक्षा प्रणाली के सभी आयामों को टेक्नोलॉजी की सहायता से अधिक सुगम व सुलभ बनाया जाएगा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के संदर्भ में अनुसंधान और उपयोग को बढ़ावा दिया जाएगा ताकि स्वास्थ्य सेवाओं, कृषि, क्लाइमेट चेंज जैसे क्षेत्रों में प्रभावी बदलाव लाए जा सके। इस शिक्षा नीति की सफलता केंद्र तथा राज्य दोनों के प्रभावी योगदान पर निर्भर करेगी। भारतीय संविधान के अंतर्गत शिक्षा कनकरेंट लिस्ट का विषय है, अतः इसमें केंद्र और राज्यों द्वारा संयुक्त और समन्वयपूर्ण कार्रवाई की आवश्यकता है। शिक्षा से जुड़े मानकों पर विभिन्न राज्यों में असमानता देखी जाती है। राज्यों को अपनी स्थानीय परिस्थितियों, विशेषताओं तथा अपेक्षाओं के अनुरूप राष्ट्रीय शिक्षा नीति का अनुपालन करना है। इस शिक्षा नीति को प्रभावी कार्य रूप देने के लिए केंद्र और राज्य सरकारों को सभी स्टेक होल्डर्स के साथ मिलकर अनवरत प्रयास करने होंगे। उच्चतर शिक्षा के क्षेत्र में इस शिक्षा नीति की अनुशंसाओं का समयबद्ध पालन सुनिश्चित करने के लिए विश्वविद्यालयों के कुलपतियों तथा शिक्षकों की वैकेंसीज पर अतिशीघ्र सुयोग्य व्यक्तियों को नियुक्त करने की आवश्यकता है। प्रधानमंत्री जी व शिक्षा मंत्री जी, राष्ट्रीय शिक्षा नीति पर आज आयोजित परिचर्चा के संदर्भ में मैंने कुछ दिन पूर्व सभी राज्यपालों व उपराज्यपालों से बात की थी। मुझे इन सबकी उत्सुकता, उत्साह व तैयारी के बारे में जानकर बहुत प्रसन्नता हुई। सभी राज्यपालों ने अपने शिक्षा मंत्रियों और राज्य विश्वविद्यालयों के कुलपतियों के साथ बैठकें की हैं तथा आज राष्ट्रीय शिक्षा नीति पर चर्चा करने के लिए तैयारी करके आए हैं। मैं परिचर्चा के अगले सत्र में भी उपस्थित रहूँगा। शिक्षा नीति के क्रियान्वयन से जुड़े संवाद व परामर्श की प्रक्रिया को जारी रखते हुए केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने आगामी 19 सितंबर को केंद्रीय विश्वविद्यालय
और उच्च शिक्षण संस्थानों के साथ एक वर्चुअल सम्मेलन का आयोजन निर्धारित किया है। मैं उस संवाद में भी भाग लूंगा। ऐसे सभी संवादों के निष्कर्षों को जोड़कर देखने से शिक्षा नीति के कार्यान्वयन से जुड़े मुद्दों पर समग्र दृष्टिकोण बन सकेगा। मैं चाहूंगा कि सभी राज्यपाल अपने राज्यों में नई शिक्षा नीति को कार्यरूप देने के लिए थीम आधारित वर्चुअल सम्मेलन करें। शिक्षा नीति के विभिन्न आयामों पर व्यापक विचार विमर्श के उपरांत आप सब अपने महत्वपूर्ण सुझाव केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय को भेज सकते हैं ताकि उनका देशव्यापी उपयोग किया जा सके। राष्ट्रीय शिक्षा नीति की अनुशंसाओं को लागू करने की दिशा में आप सभी राज्यपालों तथा शिक्षा मंत्रियों का बहुत महत्वपूर्ण दायित्व है। मुझे विश्वास है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति को कार्य रूप देने में योगदान करते हुए आप सब भारत को नॉलेज हब बनाने में अपनी प्रभावी भूमिका निभाएंगे। धन्यवाद। जय हिंद।